हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट टर्म का स्टॉक लेकर आया हूं जिसका नाम है एशियन पेंट। ठीक है, तो ये स्टॉक देखिए अभी चल रहा है 1772 रुपये पे और 60 रुपये बढ़त के साथ ये स्टॉक आज के दिन क्लोजिंग दिया है। अगर हम लोग इसकी ओपनिंग देखते हैं तो 1717 पे इसकी ओपनिंग हुई थी और हाई इसने 1788 का बनाया था, लो 1717 का, मतलब कि जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पर इसने अपना लो बनाया था और हाई यहाँ से लगभग 70-80 रुपये हाई गया था, फिर 60 रुपये ऊपर बढ़त के साथ इसने क्लोजिंग दे दिया है। अगर हम लोग इसका 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो 52 वीक हाई इसने बनाया था 12 फरवरी 2020 को, जो कि 1916 रुपये का इसका 52 वीक हाई था। अगर हम लोग 52 वीक लो की बात करते हैं तो 1431 रुपये का इसने अपना 52 वीक लो बनाया था 19 मार्च 2020 को। मात्र एक महीने में ये स्टॉक ने 52 वीक हाई और 52 वीक लो दोनों बना दिया था। लेकिन अब मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर रही है और ये सब स्टॉक भी रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस स्टॉक में कहाँ पर हमारी एंट्री बनती है, कहाँ पर हमारा एग्जिट स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, वो सब मैं आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोग चलेंगे चार्ट पर। उससे पहले यहाँ पर हम लोग इसका डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज अभी चल रहा है 27% इस शेयर में, जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है उसमें से 27% की जो शेयर है वो डिलीवरी के लिए रख लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए डिलीवरी बहुत अच्छी नहीं है, डिलीवरी थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी ब्रेकआउट हुआ भी नहीं है। ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो ये डिलीवरी परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगी, तब आप इसमें एंट्री करना। तो कल की जो मेरी वीडियो थी, मैंने बनाया था आप लोगों के लिए टेक महिंद्रा के ऊपर, उसमें थोड़ा सा हम लोग लेट हो चुके थे, लेकिन इस स्टॉक में हम पहले हैं, हमें पहले से ही वॉच करने का टाइम मिल जाएगा। इस वीडियो को मैं आज 9:30 बजे के पहले पहले डाल दूंगा, मार्केट ओपनिंग से पहले। अभी देखिए सुबह के 6 बजने वाले हैं और अभी मैं जस्ट सो के उठा तो थोड़ा एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये स्टॉक मुझे मिला तो मैं सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर अभी वीडियो बना दूँ और 9:30 बजे की या मार्केट ओपनिंग के पहले ही मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँ तो आप लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चार्ट पर देखते हैं कि कहाँ पर हमारी एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे एशियन पेंट का चार्ट खोल लिया है और ये स्टॉक का अगर हम लोग देखते हैं हाई, तो यहाँ पर हमें हाई देखने को मिल रहा है ऑल टाइम हाई, जो कि 1917 रुपये के आसपास है। 1-2 रुपये ऊपर नीचे होगा तो आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस बताने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अगर ऑल टाइम हाई हम लोग देखते हैं तो 1917 रुपये के आसपास था, जो कि इसने 2 बार बनाया था। एक बार यहाँ पर बनाया था, देखिए ये वाली कैंडल के आसपास, और ये रेड वाली कैंडल के आसपास बनाया था। तो 2 दिन इसने अपना जो 52 एक हाई था उसको टच किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। दोनों दिन फिर से इसमें गिरावट आ गई और ये गिरावट आकर देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिली 1434 रुपये के आसपास। फिर यहाँ से एक अच्छी रैली आई, फिर से स्टॉक ने हमें ऊपर वाला लेवल दिखाया 1864 रुपये का, फिर एक बार इसमें क्रैश आया और यहाँ पर इसने अपना लो बनाया जो कि 1482 रुपये, जो कि पिछले वाले लो से ऊपर इसका लो था। अगर हम लोग पिछला वाला लो इसका देखते हैं तो 1434 रुपये के आसपास था। फिर दूसरा वाला अगर हम लोग लो की बात करते हैं तो 1484 रुपये था, और उसके बाद तीसरा लो हम लोग अगर देखते हैं तो 1581 रुपये था। उसके बाद हम लोग चौथा लो इसका देखते हैं तो 1649 रुपये था, और अगर हम लोग इसका पाँचवा लो देखते हैं तो 1685 रुपये था। मतलब कि ये स्टॉक हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम लोग इसके हाई की बात करते हैं तो पहला वाला हाई था यहाँ पर हमारे सामने 1748 रुपये के आसपास, दूसरा वाला हाई था हमारा 1817 रुपये के आसपास, और तीसरा वाला हमारा हाई था जो कि था 1763 रुपये के आसपास। ये वाले हाई को हम लोग अगर छोड़ देते हैं तो इस वाले हाई की बात करते हैं हम लोग तो 1744, फिर 1765, फिर ये वाला हाई जो था वो 1777 था, और ये वाला हाई जो था वो था 1788 रुपये के आसपास। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनाते हुए ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा इसका सपोर्ट प्राइस। देखिए ये वाला जो हम यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन लेते हैं तो हमारे सामने एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है जो कि यहाँ जा रहा है 1700 रुपये के आसपास। हालांकि ये लाइन एक बीच में कट रही है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग इसको समझ लेना। तो हम लोग एक खाली ऐसे ही नॉर्मली चार्ट बना रहे हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा करके। तो यहाँ से हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, इसी के ऊपर ये स्टॉक बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये स्टॉक इसी के ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है।
लेकिन ये ऊपर इसके सामने एक रेजिस्टेंस भी फेस हो रहा है जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। उसके लिए हम लोग अगर यहाँ से देखते हैं इसका रेजिस्टेंस प्राइस, तो हमारे सामने ये निकल कर आ रहा है, देखिए क्लियर आ रहा है, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लाइन हमारे सामने निकल कर आ रही है जिसको ये स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है काफ़ी दिनों से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टॉक इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, काफ़ी दिनों से ये मेहनत कर रहा है फिर भी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया है, आप लोग ऊपर वाला देख सकते हैं प्राइस, जैसे जैसे इसको टच करता है ये स्टॉक तो फिर से नीचे गिर जाता है। ठीक है, देखिए क्लियर, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। देखिए स्टॉक जब यहाँ पर ब्रेक करना चाहा नहीं कर पाया, फिर से नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, एक बार फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहा लेकिन फिर से ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर गया, ये रेजिस्टेंस लिया, फिर आया सपोर्ट लिया, अब ये रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस की तरफ तो जा तो रहा है लेकिन इसको आज इसने ब्रेक किया है। इसके पहले देखिए इसने एक बार भी ब्रेक नहीं किया था इसको ऊपर की तरफ, ना तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ तो हालांकि एक बार यहाँ पर किया था लेकिन क्लोजिंग ऊपर की तरफ जाकर दिया था इसने, लेकिन आज जो ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी स्टॉक के लिए कि वो अच्छा खासा ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टॉक इसको ब्रेक कर दिया है, अगर हमारी जो एंट्री बनती है तो आज के हाई के ब्रेक करे स्टॉक तो हम उसको एंट्री करेंगे। अगर आज का हाई हम लोग देखते हैं कि क्या प्राइस निकल कर आ रहा है हमारे सामने, तो आज का हाई प्राइस हमारे सामने निकल कर आ रहा है 1788 रुपये। ठीक है, 1788 रुपये का अच्छा खासा प्राइस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। हमें एंट्री करना है 1789 रुपये पे, 1789 पे हमें इसको एंट्री करना है। अगर हम लोग स्टॉप लॉस बताएं तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा साइज में है। जैसे ही ये स्टॉक, ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है आप अपने चार्ट पर लगा लेना, और अपने चार्ट पे आप जैसे लगाएंगे तो जैसे ही इसके अंदर क्लोज करें, ये वाला के अंदर क्लोज करें, तो आप इसमें से एग्ज़िट कर देना। और अगर आपको ऑप्शन सेल करना है इसका, 300 का इसका लॉट है, क्वांटिटी लॉट साइज 300 है इसका, अगर आपको इसका कॉल या पुट सेल करना है तो जैसे ही ये स्टॉक इसके ब्रेक करे, ठीक है 1789 पे, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो 1789 रुपये के आसपास इसको आप बाई करिए, 1790 रुपये पे। और टारगेट हमारा पहला निकल कर आ रहेगा, ये वाला हमारा टारगेट निकल कर आएगा 1870 रुपये का, हमारा पहला टारगेट निकल कर आएगा यहाँ से, जो कि लगभग 100 रुपये का है यहाँ पर। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप कैश में बाई करना, अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है तो ये स्टॉक जैसे ही 1789 को ब्रेक करे आप इसके 1700 का पुट सेल कर दीजिए, यहाँ वाला 1700 का पुट सेल कर लीजिए अगस्त महीने का, जो भी उसका पुट का प्राइस चल रहा हो उतना आपको बेनिफिट मिल जाएगा अगर ये स्टॉक यहाँ नीचे तक नहीं आया। हालांकि ये ऊपर भी रहता है, सस्टेन करता है, तब भी आपका टाइम डिके की वजह से प्रीमियम इसका गलेगा और आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया कि कैश में बाई करना है तो भी 1789 पे बाई करिए, और टारगेट आपका ये रहेगा 1870 रुपये। और आपको अगर पुट सेल करना है इसका पुट ऑप्शन, तो जैसे ये स्टॉक 1789 को ब्रेक करे तो आप इसके पुट को, 1700 का जो पुट है इसको आप सेल कर दीजिए, और ये स्टॉक जब भी इस ट्रेंड लाइन के अंदर नीचे क्लोज करे तो आप अपने पुट ऑप्शन से बाहर निकल जाइए, यही आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ऑप्शन का स्टॉप लॉस मत रखिए, स्टॉक का स्टॉप लॉस रखिए। और दोस्तों अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया है, उस लिंक के द्वारा अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं हमारे अंडर में तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता हूँ, जहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की कॉल प्लस इंट्राडे कैश की कॉल बिल्कुल फ्री में देता हूँ, जिसके कोई भी चार्ज नहीं है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नॉलेजफुल वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।